जेपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। आज जेपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में, जो कि दिल्ली ईस्ट में स्थित है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ब्रजपुरी इलाके में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग। यहाँ जानेंगे, आपको बताते चले कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। जानेंगे यहाँ की आवाम से, क्या यहाँ की आवाम मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है, क्या मनोज तिवारी के कार्यों से यहाँ की जनता संतुष्ट है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, किन मुद्दों पर यहाँ की आवाम वोट करेगी, जानेंगे यहाँ पर राजनीतिक माहौल क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानना चाहूंगा मैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में क्या किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? अभी तक जैसा हमने देखा है कि मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए आगे, जिस तरह से उनका व्यू रहा है, उन्होंने जनता के लिए जो जो किया है, तो हम सभी की यही इच्छा है कि मोदी सरकार फिर से आए। अभी अभी वर्तमान में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये बताएं आपके आपके इलाके की, क्षेत्र की, यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे वो यहाँ की जनता जूझ रही है? समस्या तो सर ये है कि यहाँ पे ना पार्किंग है, ना मतलब स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल, और लेकिन आप सरकार तो दावे कर रही है कि हमने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बना दिया। बेहतर क्या बनाया सर, मतलब अपने एरिया की बता रही हूँ मैं, बाकी ब्रिजपुरी यही की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिजपुरी की ही बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है? ठीक तो सर क्या है कि फिफ्थ क्लास तक है बस, फर्स्ट टू फिफ्थ है बस, गवर्नमेंट भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमें ज्यादा दिक्कत होती है रोड क्रॉस करने में। चलिए देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की कमी बताई जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा। आम आदमी पार्टी भले ही एजुकेशन फील्ड को बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ ब्रजपुरी इलाके में सरकारी स्कूल की कमी बताई जा रही है यहाँ के लोगों द्वारा। आगे बात करेंगे यहाँ की आवाम किन मुद्दों पर वोट करेगी, आपसे जानना चाहूंगा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या परेशानी है यहाँ पर सबसे बड़ी? नहीं, मुझे तो लगती नहीं है कुछ। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिल रही है यहाँ पर? मैं तो कम निकलती इसमें, मुझे जानकारी नहीं, इनको जानकारी नहीं है। यहाँ कुछ युवतियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे, ये बताइए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं 9 साल के? हाँ जी, हम उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं, और ज्यादा तो पता नहीं मुझे यहाँ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मेरा वर्क एरिया है। जब भी मैं मतलब जितने भी टाइम से हूँ मैं, 1.5 साल से यहाँ पे हूँ, अब तक जो भी मैंने देखा है यहाँ पर, मुझे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ की कोई कमी है, सब कुछ बेटर है। अच्छा, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सरकार योगी की बननी चाहिए या बदलनी चाहिए, मोदी की बननी चाहिए या बदलनी चाहिए? नहीं, बदलनी चाहिए, मोदी जी ही आनी चाहिए। आप संतुष्ट हैं 9 साल के कार्यकाल? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये युवती हैं, दावा कर रहे हैं कि योगी की मोदी की सरकार से और मनोज तिवारी के कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट ये नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ युवा हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से जोर लगा दिया है उन्होंने जीतने के लिए, भाजपा से संतुष्ट है या सरकार बदलनी चाहिए? देखिए, भाजपा गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन सारे मुद्दों पर फोकस नहीं करती है। उसको ज्यादातर देखा जाए तो अभी विकास के बारे में, और ये अपने गली में लाइट वगैरह की थोड़ी सी सुविधा इधर कम है, जो रात को महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, और सेंसिटिव इलाका भी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की थोड़ी आबादी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डर भी बना रहता है। अच्छा, अगर आपके आपके क्षेत्रीय स्तर की बात करें, यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अकॉर्डिंग टू यू, आपकी राय में? समस्या वही सेफ्टी को लेकर, पुलिस की थोड़ी सी पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, और रही बात थोड़ा कहीं कहीं नुक्कड़ पे एनी टाइम होने चाहिए पुलिस वाले। इन युवा ने बात कही कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर एक कमजोर है, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ बढ़नी चाहिए। महिलाएं हमारे साथ ज्यादा संख्या में मौजूद है, इधर रुख करेंगे, आगे बात करेंगे इनसे। ये बताइए, चुनाव है, किन मुद्दों पर अब वोट करेंगे आप यहाँ पर? आप बताएं। मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं यहाँ के लिए, जैसे अब चुनाव आने वाले हैं,
मैडम बताइए, आप बताइए वैसे समस्या यहाँ की क्या क्या है मैम, जानना चाहूंगा। तो अभी बताई हमने जैसे कि बच्चों के एजुकेशन को लेके है कि कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कोई पार्क वगैरह नहीं है कि जिससे कि, क्योंकि रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है हमने यार, ब्रिजपुरी में ऐसी कोई सुविधा है नहीं। कल तक नहीं है स्कूल सर यहाँ पे, हमें बहुत दिक्कत होती है आगे जाने में, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट तो है, फर्स्ट टू फिफ्थ है, फर्स्ट टू एट्थ है, बट इससे आगे नहीं है, टेंथ और ट्वेल्थ तक नहीं है, कम से कम बारहवीं तक तो होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की बात कही जा रही है, समस्याएं महिला सुरक्षा को लेकर के भी है, यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर भी है, लेकिन यहाँ की आवाम यहाँ के सांसद मनोज तिवारी से संतुष्ट है, उनके नौ साल के कार्यकाल से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट है, और ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी केंद्र में दोबारा से सत्ता में आए। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद अली के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN7।